हिस्ट्री ऑफ ईएम वेव में बेसिकली यही लॉजिक है, और इसके ऊपर काम किया गया डिस्प्लेसमेंट करंट पे और सिमेट्री के ऊपर जैसे मैंने बताया, और एक नई चीज़ निकल के आई और ये कमाल की चीज़ है। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को साइनोसाइडली चेंज करें, अभी तो हम लीनियरली चेंज कर रहे थे ना, साइनोसाइडली का मतलब इस रूम में इलेक्ट्रिक फील्ड को आप इंक्रीज करें, फिर डिक्रीज करें, फिर डायरेक्शन चेंज करें, इंक्रीज करें, डिक्रीज करें, साइनोसाइडली इसको चेंज करें, तो इस रूम में अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को साइनोसाइडली चेंज करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड अपने आप पैदा हो जाएगा, और मज़े की बात वो भी साइनोसाइडली पैदा होता है। तो जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड को इस प्लेन में चेंज करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड अपने आप पैदा हो जाएगा, क्योंकि यू आर चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, आप सिमेट्री को हिला रहे हैं। जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड अपने आप पैदा होगा। और अगर आप और इम्पॉर्टेंट, इससे भी इम्पॉर्टेंट बात यह है, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को इस प्लेन में चेंज करेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन में पैदा नहीं होगा, मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर पैदा होगा। देख रहे हैं ये आपस में एनवेलप क्या है, 90 डिग्री पे है। तो अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को इस प्लेन में चेंज किया, इस प्लेन में चेंज किया, मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा, लेकिन वो इस प्लेन में पैदा होगा। क्लियर है यहां तक? आप ई को यहां चेंज करेंगे, बी ऐसे पैदा हो जाएगा। तो जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड को इस प्लेन में चेंज करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे पैदा हो जाएगा। दोनों के दोनों फील्ड कहां जा रहे हैं? सामने। ये देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड भी सामने जा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड भी यहां पे सामने जा रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड वेव प्रोपगेशन, क्योंकि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड मिलके कहां जा रहे हैं? सामने जा रहे हैं। तो वेव प्रोपगेशन इस तरफ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेव प्रोपगेशन आपस में 90 डिग्री पे होती हैं, और अगर ई, बी और वेव प्रोपगेशन 90 पे हो जाएं, इस वेव को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तुमने दो फील्ड पैदा नहीं करने, तुमने एक ही करना है बस। तुम एक फील्ड को चेंज करते जाओ साइनोसाइडली, दूसरा तो अपने आप पैदा होता जाएगा, और दोनों इकट्ठे एक डायरेक्शन में मूव करेंगे, उसको बोलते हैं, ये जो फील्ड ट्रेवल कर रहे हैं, फील्ड की एनर्जी ट्रेवल कर रही है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल कर गई। तो फील्ड की फॉर्म में एनर्जी ट्रेवल करने का मतलब ईएम वेव ट्रेवल कर गई। तो ये समझ में आ रहा है डायग्राम कैसे बना? ये मतलब साइंटिस्ट ने और आगे जाके एक्सपेरिमेंट करके रिजल्ट हमें दिया। तो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, उल्टा भी ट्रू है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी ट्रू है। तुम कोई एक फील्ड चेंज कर दो, दूसरा अपने आप पैदा हो जाएगा, और वो भी चेंजिंग इन नेचर ही होगा। क्लियर है यहां तक? तो ये एक्सपेरिमेंट यही बता रहा है, आपके एनसीईआरटी की किताब आधे पेज में यही लिखती जाती है कि आप एक फील्ड चेंज करोगे, दूसरा अपने आप चेंज हो जाएगा, आप इलेक्ट्रिक चेंज करोगे, मैग्नेटिक अपने आप चेंज हो जाएगा। और ये एक्सपेरिमेंटली स्टडी किया साइंटिस्ट ने, और हमें एक रिजल्ट दिया कि देयर इज अ ग्रेट सिमेट्री इन नेचर, नेचर में बहुत सिमेट्री है। ये चीज निकल के आई, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजिंग विद टाइम एट अ पॉइंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड देयर। ठीक हो गया, ये एक्सपेरिमेंट हमें ये बता रहा है। अब वो क्या बता रहा है? इन टाइप की वेव्स, इन टाइप की डिस्टर्बेंसेस जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को कैरी करके लेके जाती हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। तो मैक्सवेल ने ये बताया कि ईएम वेव्स आर दोज वेव्स इन विच देयर आर साइनोसाइडल वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एट राइट एंगल टू ईच अदर एज वेल एज एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। तीनों के तीनों आपस में किस में होने चाहिए? 90 डिग्री पे होने चाहिए। ये मैक्सवेल ने हमें बताया, और साथ में ये भी बताया मैक्सवेल ने, अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड साइनोसाइडल है, तो स्पीड ऑफ ईएम वेव क्या होगी? सी इज इक्वल टू 1/√μ0ε0। μ0ε0 का मतलब मीडियम वैक्यूम है। वैक्यूम में स्पीड ऑफ ईएम वेव 3×10⁸ होती है। आप मीडियम चेंज करेंगे, ये कॉन्स्टेंट चेंज हो जाएंगे, स्पीड भी चेंज हो जाएगी, किसी और मीडियम में भी हो जाएगी। तो सी का फॉर्मूला भी क्लियर है, ईएम वेव स्पेस में कैसे ट्रेवल करती है, वैक्यूम में इसका फॉर्मूला है, ये आपको पता होना चाहिए, 3×10⁸।